रूमी कहते हैं कि शैतान की फितरत में जिला डालना है, वो चोरों का उस्ताद है। मार्फत की बातें शैतान फंसाने के लिए करता है। कौम नूह अलैहिस्सलाम, कौम आद, कौम नमरूद, अबू लहब, बलम बाऊर वगैरह को इसी ने तबाह किया। शैतान कहता है कि मैंने अपनी जानब से कोई मुंह काला नहीं किया, मैं तो नेक और बदों को जाहिर कर देता हूँ, और मैं खुदा नहीं कि नेको बद बनाऊं। मैं तो कड़वे खुश्क दरख्त को काट देता हूँ, चूंकि दिल का खुश्क होना ही जुर्म है और वो आबे हयात को जज़ब करने वाला नहीं होता, इसीलिए खुश्क हो जाता है। कड़वी शाख को अच्छे के साथ पैवंद करके वसल दी तो उसके वजूद में असर करके इसलाह हो जाती है, इसलिए शायद हक से पैवस्त होकर मेरी इसलाह हो जाए। शैतान से दलीलों से नहीं जीता जा सकता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस माह का इलम होते हुए भी बहक गए और तमाम मक्कारी नफ्स की गुमराही में पिनहा है। देखते और सुनते रहिए अनसेंसर्ड ट्रुथ।